मध्य प्रदेश के इंदौर में एक जर्जर होटल की चार मंजिला इमारत के ढह जाने से होटल के प्रबंधक सहित 10 लोगों की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। मलबा हटाने का काम जारी है। वहीं राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इंदौर के व्यस्तम इलाके सरवटे बस स्टैंड के करीब एमएस होटल की इमारत जर्जर हालत में थी। शनिवार रात को एक कार के टकराने के बाद इमारत पल भर में ढह गई। हादसे के बाद रात से ही चल रहे राहत और बचाव कार्य में अब तक 10 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। हादसे में 2 घायल हुए जिनका उपचार जारी है। होटल की इमारत रात के समय अचानक ढही, तभी से राहत और बचाव कार्य जारी है। इस होटल में कुछ लोग ठहरे हुए भी थे। बताया जाता है कि शनिवार की रात और रविवार का दिन छुट्टी होने के कारण सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र में देर रात तक काफी चहल पहल थी। तभी अचानक होटल की जर्जर चार मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और होटल में ठहरे लोगों के साथ दुकानों पर खड़े लोग तथा गुजर रहे वाहन मलबे की चपेट में आ गए। हादसे के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कार, बस सहित अन्य वाहन वहां से गुजर रहे हैं, तभी यह इमारत भर भरा कर गिर गई। यह तो राहत वाली बात रही कि बस के गुजरने के बाद इमारत ढह गई। यह इमारत 80 साल पुरानी बताई जा रही है। राहत और बचाव दल से जुड़े अधिकारियों के अनुसार कई जेसीबी, डंपर आदि मलबा हटाने में लगे हैं। वहीं बड़ी संख्या में कर्मचारी भी इस काम में लगे हुए हैं। अभी भी मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है।